हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। काम दोनों क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, तो पास ऑफ स्पीच के अंदर हमने एलिमेंट्स किए हैं सारे, साथ में फिर आपके सामने हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन किया है, प्रोनाउन किया है, वर्ब किया है, एडजेक्टिव किया है, और ये चारों टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि ये चारों टॉपिक आप अच्छी तरह से करें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, हमारे ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते चले जाएंगे। अगर हम पीछे का छोड़ के फिर आगे चलेंगे तो स्टूडेंट आपको ध्यान में हमारे लिए ये टॉपिक मुश्किल खड़ी कर देंगे। इसलिए ये फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक एक पॉइंट को अरेंज नहीं, हम आपको अलहदा तरीके से बता रहे हैं, इजी तरीके से बता रहे हैं, कि आप इन टॉपिक्स को याद अगर कर लें तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सब अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाइटली लिया और उस पर ध्यान नहीं दिया तो वापस वही प्रॉब्लम वापस आ जाएगी जो पहले आपके साथ थी। पढ़े तो हैं आपने मगर याद नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आइए देखते हैं नए टॉपिक के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एडवर्ब, व्हाट इज एन एडवर्ब? क्रिया विशेषण। एडवर्ब हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण। ये देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। एडवर्ब है, एडवर्ब इज अ वर्ड विद इज यूज टू by the
सेंस इन रिलेशन टू समथिंग एल्स फॉर एग्जाम्पल ही सिट्स अंडर द ट्री The pen is on the table. So here under on keep in position. Adverb and preposition है ना आसान, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है रियल स्टोरी. और अब आप देखिए आपके सामने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने आसान हो गए. आपने नाउन पढ़ लिया, आपने प्रोनाउन पढ़ लिया, आपने वर्ब पढ़ लिया, आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया, और आज आपने एडवर्ब एंड प्रपोजिशन भी पढ़ लिया. डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है. उम्मीद है आज एडवर्ब और प्रपोजिशन भी आपको समझ में आ गया होगा. डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से इसको आज घर पे पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना मत भूलना. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, मैंने आपको अपने नंबर दिए हैं. और पुराने वाले जो टॉपिक हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही, उनको रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे. याद रखिए मैंने आपसे कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कंप्लीट होता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टेस्ट असाइनमेंट भी आपको देंगे, वो भी आपको करना होगा. और उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे. तो उम्मीद है आज एडवर्ब एंड प्रपोजिशन भी आपको समझ में आ गया होगा. आई होप पुराने वाले भी टॉपिक सब समझ में आ गए होंगे आपको. तो पुराने के साथ में आज इन दोनों को भी लेके चले तो आपके लिए बेहतर होगा. माय डियर स्टूडेंट्स थैंक यू एंड स्टे हैप्पी.